गुरु अंगद देव जी वेले भाई ढेंग होया जी धदे नाल भाई ढेंग भाई गुरदास जी दी वारां च इहदा नाम ही आया कुछ गुरसिख जिन्हां प्राप्ति कीती ये गुरु अंगद देव जी ले भाई ढेंग होया इहनू किसे दुनिया में किसे गल तो सट वजी अंदर दी सट वैराग आ गया भाई ढेंग ते लिखिया कि गुरु अंगद देव महाराज के चरणा च आ गया ते कीर्तन सुनदा ते सेवा करदा सेवा लिखी है पाणी अंदरों तरसदा भी सट वजी हुई है अंदरों तरसदा कि केड़ा वेला होवे किते गुरु अंगद देव जी नाल कल्यां समा मिल जाए अरदासां करदा महाराज कोई कल्यां समा दवा कृपा हो गई मेरे महाराज गुरु अंगद साहब एकांत च बैठे हुए ये भाई ढेंग महाराज गुरु अंगद देव जी दे कोल चला गया सचे पातशाह एक बेनती करनी कि हुण तुहाडे सुणन वाले वजन गुरु अंगद साहब कहिंदे वी दसो ते भाई ढेंग अगों की कहिंदा कहिंदा महाराज ना तन दे दुख निवृत हो रहे ने ना मन दे दुख निवृत हो रहे जिंदगी लंघी जा रही तुहाडी शरण आया मेहर करो तेरा की ना है जी भाई ढेंग सवाल वेखो क्या बात है सतगुरु ना तन दे दुख निवृत हो रहे ने ना मन दे रस्ता दियो ते गुरु अंगद साहब ने ना पहले इहदी बैटरी चार्ज की थी महाराज कहिंदे सैन भगत तू ओदी कुल चो है आखो सतनाम महाराज कहिंदे सैन भगत एक सतसंग दा सदका जे प्राप्ति कर सकदा शांति लै सकदा परमेश्वर नूं पा सकदा ते तू ओदी कुल विचों है सैन नाई पुतकारियां वो घर घर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गिणिया ते गुरु अंगद साहब कहिंदे बैटरी चार्ज रख जे सैन भगत एक सत्संग करके कमाई करके भगती करके प्राप्ति शांति कर सकता तू नहीं कर सकता कहन लगा महाराज फिर मेहर करो अगवाई दियो ना मेरे तन दे दुख निवृत ना मन दे संगत जी चार बचन गुरु अंगद साहब ने चार बचन ओदी झोली च पाए वो हिरदे ते लिख ले बड़े काम आने वाले जी वो चार बचन वेरवा नहीं करांगे बोल के ही महाराज जी वो सांझे कराण फिर समाप्ति है वो चार बचन केड़े गुरु अंगद साहब ने भाई ढेंग की झोली च पाए कि तन दे दुख ते मन दे दोवें तरे निवृत हो जाण की कर एक बारी पंक्ति बोलो जी फूले मारग जिने बताया फूले मारग बताया बोलो जी
चार वचन महाराज ने दिते मैनू पड़े ही। एक अद्धा तो सुने अगे विचों दो तीन वचन बड़े अपील कीते। महाराज जी तन दे ते मन दे दुख निवृत नहीं होते। गुरु अंगद देव जी ने भाई तेंग नू पहला बचन झोली च पाया। ओहो जेड़ी तू सेवा करना ते सिमरन करना सुनियो जी बचन और ले आयो। महाराज कहते जेड़ी सेवा ते सिमरन करना यतन कर एक टोया टप जा। कहना जी केड़ा टोया? कहते एक सेवा सिमरन करी दी एक कामना रख के इन्ने चिर सेवा करनी ए कामना है, इन्ने चिर सिमरन करना ए कामना है। महाराज कहते एक टोया टप जा जिनी सेवा सिमरन करना कामना तो रह धो के कर। इस वास्ते कर मैनू गुरु नानक तेरी खुशी चाहिए। आखो सतनाम। ये बड़ी वड्डी दाज है, बहुत वड्डी। तुहाडे चो कोई बाबा दीप सिंह दे दर ते जावे मैं तां घंटा कीर्तन सुन रहा फलानी चीज मिले ये भी चंगा है, कोई गल नहीं। पर किते वो टोया टप जे मैं तां घंटा कीर्तन सुन रहा बाबा दीप सिंह मैनू तेरी खुशी चाहिए। मैं अज सवेरे अज इत एक नवी सरां की नींह रखी गई है। सरावं बहुत बाबा जी दिल्ली की संगत ने यह अज उत्थे मैं बचन सुनाया जे सिंह साहब जी ने। कहिंदे जेड़ा बाबा दीप सिंह दे दर ते गुरु रामदास दे दर ते कामना रख के भी समा देंदा वह भी वधिया है, चलो कोई नहीं दे रहा है दे। पर कहिंदे जे ए टोया टप जे के गुरु रामदास मैं मैनू तेरी खुशी लई घंटा मैं आ रहा दो घंटे आ रहा बाबा दीप सिंह तुहाडी खुशी लैण लई मैं आ घंटा दो घंटे को झाड़ू सेवा जोड़े सेवा जा कीर्तन सुन की सेवा हो रही है। सिंह साहब ने बचन सुनाया जड़ा कामना तो रह धो के गुरु रामदास के दर से बाबा दीप सिंह के दर से जाता। कहते बाबा दीप सिंह की जड़ी शक्ति है बख्शिश है गुरु रामदास की शक्ति बख्शिश वह सात संगत चल के सिख के कोल आनी शुरू हो जाती है। ये कामना रह एडी अनमोल है गज के आखो सतनाम। ये गल वड्डी है, बाकी कामना रख के भी करो कोई गल नहीं। शुक्र है बंदा लगा तो है किसी गलत पासे तो नहीं जा रहा। पर महाराज भाई तिंग नूं कहिंदे कोशिश कर कामना तो रह धो के सेवा सिमरन कर वो गुरु नानक की जिहड़ी बख्शिश है ना शक्ति वो तेरे कोल आउणी शुरू हो जाएगी कामना तो रह। ते दूजा वचन भी मैनूं बड़ा वज्जा जी, वो तुसीं भी संभालिओ मेरी भी अरदास करे। गुरु अंगद साहब ने भाई तिंग दूजा बचन दिता। भाई तिंग एक दूजा बचन संभाल जिहड़ा कहना ना तन दे ते मन दे दुख निवृत नहीं हो रहे। महाराज ने दूजा बचन दिता कहिंदे जेड़ा समा वेला होवे ओनू भी सफल करना सिख लैगा जी। आखो सतनाम। बड़ी वड्डी गल जे जी, बहुत वड्डी गल जी। वेला समा भी सफला करना आ जाए मैं कहना सात संगत समझ लो कलगियां तुहाडे नाल ही आ गए, बड़ी वड्डी दात है। नहीं तो कई बारी असी कहने सतबाणियां दा नेम हो गया काम खत्म, रहरास साहब हो गई काम खत्म, सुमनी साहब हो गया काम खत्म, हुण मैं दो घंटे वेला। लाओ जी टीवी, हुण दो घंटे वेले हैं जी। लाओ जी सीरियल, हुण दो घंटे वेले हैं जी। आ जाओ चार भैं गल कित दातू मिल जाए, मैनू भी मिल जाए। गुरु अंगद साहब कहते जेड़ा वेला समा अपनी लाइफ आंदा मान लो नेम हो गया वो वेले समय में भी जेड़ा सफला करना सिख लवे तो दुख निवृत्त होने शुरू हो जाए। क्या बात है, हूँ टाइम हो गया नहीं तो दिल करता पंक्तियां पढ़ा। चलो एक मिनट पढ़ लो
प्यार के लेट हो रहे हैं। गज के आखो सतनाम, दूजा वचन महाराज ने दिता मैनू बड़ा काम आया कि वेले वक्त नू भी सफला करन दा यतन कर। यह जरूर आज पक्का हिरदे च लिख के लै जो। कई बीबियां वेखियां मैं डायरी भी लिख दी हैं, एक चलो हिरदे की डायरी ते भी लिख लैं। ते तीजा वचन गुरु अंगद साहब ने भाई ढिंग नू कीता अमृत वेला संभालना, ये अगे सरवण कीते आ। ते चौथा वचन अज दे नाल संबंध है जिहड़ा अज विशा चल रहा है, गुरु नानक दे घर की सतवीं कलास मन गुरबाणी की डुंगियाई ते खोज विच जाना शुरू हो जाए। ये महाराज ने चौथा वचन किया सुन ना लजे। पता की क्या गुरु अंगद देव जी, मैं हैरान हो गया पढ़ के। भाई वीर सिंह जी ने भी इस साखी नूं बड़े प्यार नाल लिखा। साखी पढ़नी होवे ते पढ़ लियो अष्ट गुरु चमत्कार विच आखो सतनाम। ओ चौथा वचन भाई वीर सिंह ने लिखा, गुरु अंगद साहब कहिंदे भाई ढिंग कामना तो रह धो के सेवा सिमरन कर लै, वेले वक्त नूं भी सफला करन दा यतन कर लै, तीजा अमृत वेला संभालना। चौथा वचन सुनियो, गुरु अंगद देव जी कहिंदे जदों तेरा मन डोले। सुनियो बड़ा काम आने वाला वचन। गुरु अंगद साहब कहिंदे जदों तेरा मन डोले उदों गुरबाणी विचार के पढ़ी, जदों विचार के पढ़ेगा ते तेरे डोलन की दवाई तेनू गुरु नानक गुरबाणी के विचारण चो देगा। हुण बड़ी डूंगी गल जी, जदों मन डोले, अज साडे कोल संपूर्ण बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी, जदों मन डोले ए गुरु ग्रंथ साहब चो अगवाई लै लो, सानू गुरबाणी विचार के पढ़ोगे खोज के जिस गल तो डोल रहे हैं गुरु नानक ओदी दवाई एदे खोजण विच्चों देनी शुरू कर देगा। जकारा दिओ प्यार के सोनेहा। गुरु फिर गल्लां करदा इत्थे इंज कर आखो सतनाम, इत्थे इंज कर जदों मन डोले ए गुरबाणी विचों सेध लई, इहदे चों गुरु नानक तैनू शक्ति देगा डोलण तों बचाण दी दवाई देगा, गुरबाणी दे खोजण चों गुरबाणी दी डुंगियाई चों।